पटना बिहार दो नील रोग चले सासूंगे ससांग रोग ना जर्सी रहे टीम दो एफसी परगना टोला तो तीन एफसी पटना बिहार टीम से खेबारी विशाल सोरेन कैप्टनशिप रहे इमरान अंसारी गोलकीपर जर्सी नंबर 31 कालीचरण मरंडी जर्सी नंबर 5 याको जर्सी नंबर 14 बेंजामिन जर्सी नंबर 9 फोरी जर्सी नंबर 7 किसन जर्सी नंबर 10 जेक लेफ्ट साइड से लेफ्ट फुलबैक के पोजीशन से जो खेल रहे हैं परगना टोला से ये प्लेयर्स जब जब किसी भी ग्राउंड पर जाते हैं किसी भी टीम से ये हमेशा 100% देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं लखन हसदा इस सीजन में हर बड़े टूर्नामेंट में ये प्लेयर्स अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं किसी ना किसी टीम से वहां से 5 नंबर ने गेंद को ले लिया कालीचरण बंडी कालीचरण ने वहां पर याको को खेलता हुआ एक लॉन्ग रेंज के पास अपने सहयोगी वहां पर जेक के छत्र में गेंद को खेलते हुए लेकिन वहां से गेंद वापसी होने के बाद इस बार श्रीधर क्या गेंद के साथ आगे बढ़ पाएंगे गेंद को खेल दिया है डीप में लेकिन कालीचरण ने आसानी से गेंद को वापसी किया इसी बीच वहां पर नोएल सोरेन इस बार तेजी से आगे बढ़ते हुए लेकिन ये देखिए यहां पर उनको कवरिंग करने में यहां पर ताला सोरेन सफल होते हुए टीम के कैप्टन का ये पहला प्रयास लेकिन गेंद नियर पोस्ट ऑफ टारगेट पर ये गोल लाइन से बाहर जाती हुई कई बार ऐसा है कि नोवेल ताला श्रीकांत जैसे प्लेयर्स एक ही क्षेत्र से विलोम करते हैं रघु जैसे खिलाड़ी लेकिन आज प्रतिद्वंदी टीम बन करके आज खेल रहे हैं और कल भी चर्चा किया गया था ये ऐसे प्रीमियर लीग जमशेदपुर का जिसमें ये तीनों प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं उस मैच को खेला था और बाबूलाल सोरेन फुटबॉल एकेडमी टीम से दोनों तीनों खिलाड़ी जो है खेल रहे थे ये ऑफसाइड का कॉल आ गया है ये ऑफसाइड का कॉल आ गया है भाई तो निश्चित रूप से यहाँ पर ताला सोरेन श्रीकांत सोरेन नोएल सोरेन ये तीनों प्लेयर्स ने उस मैच में लीग में प्रीमियर लीग जो खेला गया था उसमें बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था तो निश्चित रूप से इस प्लेयर्स के ऊपर इन खिलाड़ियों के ऊपर में खास नजर रहेगा और इसी बीच 7 नंबर पुणे ने वहां पर गेंद को खेला लेकिन वहां पर डिफेंस और कीपर में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन गोपी ब्राव बहुत ही एक्टिव बहुत ही फुर्तीले गोलकीपर हालांकि और एक बार वहां पर क्या बीट होंगे रघुनाथ लेकिन ये नहीं जब डिफेंस लाइन में रघुनाथ मुर्मू जैसे डिफेंस लाइन के प्लेयर्स हो तो डिफेंस लाइन को काफी ज्यादा मजबूती मिल जाती है आप समझ सकते हैं कि एक शब्दों में कहे तो यहाँ पर एक आयरन गेट की तरह यहाँ पर रघुनाथ मुर्मू रघुनाथ और वहां पर हपन बाबू का जो जोड़ीदारी है काफी बेहतर बना है सेंटर डिफेंस जोन में शायद आपको मजबूती देते हुए लखन हसदा और शिव लेकिन इसी बीच आगे निकलने का प्रयास ये ऑफसाइड के छत्र से आगे तक बढ़कर के गेंद को लेने का प्रयास किया और यहां से एक इनडायरेक्ट फ्री किक के माध्यम से गेंद को क्लियर किया जाएगा बॉल से थोड़ा दूरी पर वहां पर शिवधन लेकिन गेंद को नहीं ले पाए बचाव करने के क्रम में गेंद अपने ही गोल लाइन से बाहर चली गई और ऐसे समय पर एक कॉर्नर को जीत लेंगे परगना टोला की टीम पड़ी की ओर से यहाँ सही समय पर कनेक्ट नहीं हो पाया बॉल लेकिन वहां सिद्धन मौजूद है और सिद्धन
आपको बताना चाहेंगे वो प्लेयर है सिगर जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट में रांची में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी के बदौलत एफसी पाकुड़ की टीम चैंपियन बनी थी पूरे झारखंड में। तो देखना होगा क्या यहां से सिद्धर उस कारनामा को यहां पुनः एक बार दोहरा पाएंगे। साथ ही साथ यहां पर ताला जैसे एक मजबूत खिलाड़ी है, श्रीकांत जैसे खिलाड़ी है, तो ये सब खिलाड़ी अच्छे अच्छे मैदान पर कुछ सूरज पहले टाटा मोटर्स की ओर से भी यहाँ जमशेदपुर में ये टीम खेली थी। ये श्रीकांत जैसे खिलाड़ी, ताला जैसे खिलाड़ी, तो वहाँ अपने ओर से काफी शोहरत बटोरी है, काफी नाम हसरत बटोरी है। तो यहाँ भी प्रयास रहेगा कि इस ग्राउंड पर भी एक अच्छा सा मैच देने का प्रयास करे, परंतु इंतजार रहेगा कब यहाँ गोल आते हैं दोनों ही टीमों की ओर से, क्योंकि आज तक का मैच में जैसा हम देख पाए कि कहीं ना कहीं गोल देते हुए मैदानों पर नजर आए खिलाड़ी, लेकिन आएगा यहां पर एक ऑफसाइड कॉल और सॉरी ये शायद वुड प्रेस का संकेत है और इसी क्रम में यहां एक फ्री किक मिल जाएगा यहां मजदूर एकता क्लब सिंह पहाड़ी के सॉरी ये परगना टोला के टीम को और कहीं ना कहीं इस टीम का ये लोकल ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, इस ग्राउंड का तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर उठाएंगे ये परगना टोला के टीम, परंतु इंतजार रहेगा कि कब तक यहाँ गोल आते हैं। ये देखिए ये कहीं ना कहीं हेयर स्टाइल से अपना कद काठी से ये शायद ठीक है ये खिलाड़ी ज्यादातर हम देख पाते हैं मिजोरम सिक्किम के वगैरह साइड में ये सब खिलाड़ी मिलता है, लेकिन आज यहाँ पर पटना बिहार के टीम से ये खिलाड़ी यहाँ आए हैं। तो देखना होगा ये खिलाड़ी कितना प्रभावशाली योगदान दे पाते हैं अपने टीम के लिए। और यहाँ एक खिलाड़ी थोड़ा सा एंजेट होते हुए और आशा करेंगे कि ज्यादा गहरी समस्या ना हो और जितना जल्द ये पुनः एक बार सुरक्षित होकर मैदान पर खेलते हुए नजर आए। पर कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा तो देखना होगा लगातार जो ये कॉर्नर तो जिस प्रकार से यहाँ पर बारंबार अटैकिंग करने का मौका मिलता वह दिख रहा है यहाँ पर परगना टोला की ओर से अच्छा शॉट, लेकिन शॉट सही दिशा में नहीं, वहां कोई खिलाड़ी नहीं रहने के कारण फिर से एक बार पर जबरदस्त मुकाबला। मैं कह रहा था जैसे जैसे समय बीता जाएगा दोनों ही ओर से काफी आक्रामक तरीके से मैच को खेलने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं देखिए ऑफसाइड का जो इशारा है, ऑफसाइड का जो लेग है वो हवा में लहराते हुए हमारे असिस्टेंट रेफरी झट्टू दास जी द्वारा और बहुत ही अच्छा निर्णय हमारे और फिर रेफरी मानस राय द्वारा, लेकिन ये बॉल इस बार चली जाएगी सीधे फ्री किक के लिए और यहां से एक फ्री किक प्राप्त करते हुए सुशील फिलहाल भले यहां दोनों टीम गोल रहित मुकाबले को खेले हैं लेकिन कहीं ना कहीं मैच पर थोड़ा सा उस पकड़ को बनाने का प्रयास है दोनों ओर से। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए जरूर, क्योंकि मैच में जब तक आप ग्राउंड खेल जितना भी बेहतर क्यों ना खेल जाए जब तक आप स्कोर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका अगला मैदान होगा उसके लिए आप उतना ज्यादा अपने आप को सक्षम या जो एक प्रबल दावेदारी होता है वो आप गोल के माध्यम से ही दे सकते हैं। तो इसीलिए आप खेल के साथ साथ आपको प्रयास करना होगा कि जल्द से जल्द ओपोनेंट के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा गोल लेकर के अपना पकड़ को मजबूत कर लीजिए, इसके बाद जो खेल है वो आप दिखाइए। लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे आएगी कीपर के ग्लव्स में दोनों टीम्स ने भरपूर प्रयास किया है फर्स्ट गोल को कंसीड करने के लिए लेकिन अभी तक दोनों टीम्स ने गोल किया नहीं है। डोंट एक कोई नियम सिद्धन किसको बड़ी मोच बड़ी आप यहां प्लेयर्स ने कोई बीट करते हैं नियम सिद्धन लगे उन्हें बॉल लेकिन उन्हें अड़े तगड़ा के रुपये जो कर है लेकिन गलत तरीके से तैयार क्यों है
ini pasti dia. Ada kau bijak free kick. Yang mana? Patna Bihar lagi. Duel. Dia tuh thoda kan position change tu lagi. Or. Dan kau duel sore dia tuh cek ball deep lagi tidak dia kena sebang. Tapi, jii, tidak. बॉल उन्हें कोई चला गोल लाइन पे बाहर यार उन्हें कोई बीच है गोल की कुछ नहीं मानिए दाव उन्हें परगना टोला पोरी ने वहां पर गेंद को खेला बिजामिन के लिए लेकिन उनके सहयोगी प्लेयर्स को जब तक पास नहीं करा तीनों मौज उड़े हैं ताला जब तक कटाव करते लहा से दिल ना आरे टीम मौज उड़े हैं बॉल ड्रीबल करते लहा से बुलाए मेरे था लुकास मैन का डेडी मौज आर सरी ना को मैन का था जब आमरेन ओपोनेंट को आम लिखा कि मजबूत है तहन खाए तो उनारिया कांटेस्ट पे अलग ही मजा था इधर आर पना टीम भी उन्हें लिखा कि नियल के था हाँ नहीं अभी चले नुमा पहल हाफ रही रोड़े मौका को जाम के था प्लेयर हैं रेफरिया सराजू करा आर नोडे डायरेक्ट पेनल्टी खेल के बीच अंडमारे होला को तिहिन दबी रे होला नो बीटे उपेदो किंग फिशर एफसी पुटका और एफसी छोटा दुर्गापुर तीन पहाड़ होला साधु मंडी या ओपोनेंट टीम लोग का कुगातील ना दुर्गापुर तीन पहाड़ उनको का गाती बीच रे उनका कुछ जाम ले और उनका की बहमनपुर गाजीपुर यूपी टीम उनको हो गाती बीच रहे पेनल्टी खुजा बोला और नियम वे तीन दबी ते पिया उत्तर मैच रहे उनका डायरेक्ट पेनल्टी खेल दरमियान रहे और शॉट लगे है क्या ना रघुना और नुवाल करते नुवाल शॉट है बीच की ना डायरेक्ट पेनल्टी और खेल के बीच में ये मौका गवा रघुनाथ ने एक ओपन चांस गवा दिया और गोल के पार इमरान अंसारी राहत का सांस लेते हुए दर्शकों में जरूर यहां पर चर्चा का मजार गर्म होता हुआ कि आखिर ये क्या हो गया इतना अच्छा मौका मिला लेकिन मौका को गवा दिया है परगना टोला कि अफसोस रहा कि था नोड़े हुई ना चिदा जे बहुत प्लेयर करा है फुल बैक को गाती मिला रघुनाथ स्टार खिलाड़ी करा है मैंने कहा पूरी से कोई चुप हुई ना और खेल बीच रहकर पेनल्टी नियम सुसीरी और उन्हें बाम गोल लिखा है खिलाड़ी अब बुरा लगता है डूबे करा चिदा जे जब तक कोई मरांग मैच रही अगर टर्निंग पॉइंट अगर हमें तो रखा नहीं है मैच रहे तो दवा की छह हुई क्वा अगर नोटे का लीड को बना लिखा है तब से खिलाड़ी क्वा का मुराल लगी और फर्स्ट हाफ रिया का टीम टॉप करा है इसपे और ना टीम स्प्रिट अलग ही तहे क्वा नुआ मैच रहे एफसी परगना टोला रिया मेंखा नोटे मैच रहे उका ओपन चांस है गवा उका डायरेक्ट पेनल्टी शॉट है मिस करा और ना इतने वहाँ मैच रहा मुझे दरिया के नाम थोड़ा गन टीम बड़ी बड़ा मानसिक दबाव निश्चित रूप से तहन करा लंगे उनका खेल बीच रहे उनका मौका जब मकराना गोल जरूर गया सुशील कि जब जहाँ तक इन्हें बंदा जहाँ कन टीम के जहाँ टाइप प्लेयर के अगर ओपन चांस अगर बांग बोले खंड खाए तो फिर अड़ी मुश्किल अमा लहास ना सफर अड़ी मुश्किल भरा हुई दड़े और सरी कथा करना इंते जब जब नोका ना टूर्नामेंट रहे जब नोका ना मैच दरमियान जब नोका ना अपॉर्चुनिटी जमाओ करना और नोका ना अपॉर्चुनिटी ने मैच लिखा है निश्चित रूप से कोई दरिया हमारी टीम लगी हो महंगा साबित हुआ उन्हें मौका इंते जब हम मौका जान करते उन्हें बॉल गोल रे बम कन्वर्ट गोल रे बम भुना दरिया तो निश्चित रूप से अड़े बरंग पछतावा मां तहन गया लेकिन ऐसा मौका कहते हैं किस्मत वालों को ही मिलती है हर मैच में आप देख सकते हैं हर मैच में ऐसा सिचुएशन आता नहीं है बहुत ही कम ऐसा केसेस हमें देखने को मिलता है कल से आज तक में मात्र तीन ऐसे डायरेक्ट पेनल्टी का सिचुएशन क्रिएट हुआ लेकिन थोड़ा गलती पास है बादिया नोडे डबल बहुत ही रचनात्मक शैली अपनाती है वे दोनों टीम विशेषकर नोडे उनका पास है बात है थोड़ा गन उन्हें बॉल रिसीव अगर हुई जड़ियाँ खाए तो शॉट लगी हो नीचे ऑप्शन था एक बार चांस था एक बार बैठकर गोलकीपर नुआ टीम रहे स्टार गोलकीपर काफी मेहनती लड़के हैं ये और इसलिए इस खिलाड़ी को इस गोलकीपर को काफी तारीफ होता है गोपी उराव इस कमेटी के भी सदस्य है और काफी मेहनत करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए भी उसने दिन रात एक कर दिया लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पर सेकेंड गोल
गोल होगा। फरगाना टोला की टीम के तरफ से शॉट लिया, सेकेंड पोस्ट को टारगेट करके शॉट लिया, लेकिन थोड़ा सा वहां पर बॉल तिरछा होकर बाहर निकल गई। हालांकि नियत अला रहे मीठे खिलाड़ी रहे बदलाव या निर्देश, अब विशाल को बाहर बुलाया जा रहा है पटना बिहार की ओर से, और नए खिलाड़ी इस समय ऊर्जावान खिलाड़ी अमित मिश्रा इस समय मैदान के अंदर आते हुए। बता कि थोड़ा गर्मी तो मैच रहा सिचुएशन के बुझ चुका होगा और समय के मुताबिक मेनखान हमेशा ही जान लिया कि मेनखान हम एक गोल से कभी आम आराम हो पाएंगे होता है। एक गोल आज के समय में कभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकते हैं। एक गोल वो सेफ गोल नहीं माना जाता। जिस तरह से पिछला मैच में भी आपको याद होगा रांची रामगढ़ की टीम एक समय लग रहा था कि अगर बची हुई समय किसी तरह से वो बचा लेते तो इस मुकाबला को वो आराम से जीत सकते थे, लेकिन इस मैच में भी चाहे वो फरगाना टोला की बात करें वो सेकंड गोल दागने के भ्रांत में है कि वो सेकंड गोल अगर दागते हैं तो उनका इस टीम में पकड़ इस मैच में उसका पकड़ मजबूत हो जाएगा। लेकिन एफसी पटना बिहार की टीम की पूरी कोशिश रहेगी इस मैच को लेवल में लाने के लिए, यही मौका है। पटना बिहार रन खिलाड़ी रहे अगर मेलखा स्ट्राइकर विशेषकर उन्हें प्रभावी बन जलका कि नहीं जरूर उन्हें मौका बना दिया बना टीम अकेले प्ले की जज के और जब विपक्षी खिलाड़िया अगर हम उन्हें खेल रहा शैली अगर बुझे लिखा है तो उन्हें के मुताबिक बना टीम की जाती है ये चीज ही नोड़े हो जनों का फिर से श्रीकांत के लिए श्रीकांत वहां पर दो खिलाड़ी के लिए वहां पर थ्रू पास बढ़ा दिया क्या यहां पर सेकंड गोल होगा। अमित ने वहां पर किसी तरह से वहां पर रोक लिया होल्ड कर दिया मौका यहां पर एक वापसी से बना दिया था खिलाड़ी ने लगभग लगभग वहां पर सिक्स यार्ड बॉक्स के अंदर घुस भी गए थे लेकिन अच्छा वहां पर विपक्षी खिलाड़ी का मोमेंट को बिगाड़ा। एक बार फिर जर्सी नंबर 8 मोती मंडी नहीं हटे बने बना दा बोल दो इनका सहयोगी खिलाड़ी बेंजामिन हालांकि इन्होंने 6 नंबर कोई गाती कैन विदेशी मूल रन खिलाड़ी जैक जरूर मौका बना हुआ नोबेल एक बहुत ही युवा जोश युवा उत्साह इस खिलाड़ी में देखने को मिलता है। हालांकि नियत ला रहे थोड़ा गन या को पास थोड़ा गन टाइम से चला होगा ना बेचते थोड़ा गन समय लगाओ ना उन्हें खिलाड़ी अब तब तक रे मैन कवरिंग हो समय को जाम के ना विपक्षी टीम थोड़ा गन उन्हें मिस टाइम हुई के ना मैन खान निध एक पर गाना टोला टीम एक गोल दिया बढ़त को बनाओ का ही जाती सार मैच को नियल दा सुर संगी को एक सेटर का नियल बुया कोई बड़ा चुपना ससंग और लील पट्टी वाला जर्सी बुढ़िया लेते तू नुकु दो एफसी परगना टोला टीम का नाकू और एफसी पटना बिहार और कोई दो लील रोया जर्सी को रोका नुकु दो पटना बिहार को सेटर का मिटे बड़ी मजबूत टीम सेकंड हाफ या नहीं तो गाती चला करा मिटे को गोल लहाव का नुकु ससंग रोया जर्सी हो रोका टीम दो और ये तला रे मौका बना उसे बेंखान ऑफसाइड रिया प्लेग हमारे लहरा तुम्हें मैंने कहा ये चीज निकल के ना टोला मैच रे खासियत ये टूर्नामेंट रे बना देंगे चाहे देसी हो विदेशी खिलाड़ी अड़ी मौज पूरा अनुशासित उनको आ ओका खिलोड़ रिया का नजारा को दो करा कोई उनका ना लड़ाई से जट से रेफरी चितार रे अड़ी जस्ती प्रेशर इन्हें कहा थोड़ा बहुत दो कहें गया जहां का टूर्नामेंट रही ये तला रहे फिर से बॉल गेल में तीनों मैं रिसीव करते स्किल के साथ अपना यहाँ पर स्किल दिखाते हुए हालांकि तब तक में बॉल को कालीचरण ने अपने हाथ से निकाला था ये बीच रहे चेक फिर से जल में रोड़ा मोमेंटम नहीं बन रहा है वहां पर पीरू सही तरीके से बॉल को वहां कनेक्ट नहीं कर पा रहा है हालांकि एक बार फिर सताना का पास भी फिर वहां पर मिस हो गया पीरू तीनों मौज की जाती करा तीनों शांत दर्शक बिना कुआ उन्हें हिसाब तक मुझे दारे करा तीनों मौज जाती चला करा जे होड़ दाल फिर का दिखा जाते हैं फिर कुआ उन्हें हिसाब तक मुझे दारे करा मैच रिया कुछ तो बिना अनुवार रोज अन्य बीच रहे तेज अपना
वाची मोमेंटम ताहे के रहो नोडे बुझे उना आर्मी टेक गोल ना हाँ पर गना टुला टीम से कोई हेलो उका तायों का रन बनाओ करते पुट करो और वही चीज मैं फॉलो करता हूँ मेरे टीम मेरे लिए सभी टीम समान है लेकिन इस क्या यहाँ पर गोल होगा बहुत ही डेंजर एंड में एंड मौके पर गोलकीपर को रिएक्ट करना पड़ा गोपी उड़ा खिलाड़ियों के बीच अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मिस हुआ था मांगा पड़ सकता था 1-1 की यहाँ पर मैच इस समय सिचुएशन आ सकता था लेकिन क्या जोशीला मैच चलता हुआ अच्छा यहाँ पर मैच में डोमिनेट करते हुए हालांकि मैच में वापसी करने के लिए मैच को डोमिनेट करना जरूरी है कहते हैं कि आक्रमण ही सुरक्षा की ढाल होती है और क्या यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे बहुत ही सुंदर रेफरी ने वहां पर कहा कि प्ले और आपको एडवांटेज मिल गया है और यहाँ काली चरण क्या संतुलित पास एक अफीज बॉल को उछाला गया है शॉट के लिए वहां पर सेकंड बॉल बनाने का प्रयास और क्या यहाँ पर नीचे ला पाएंगे शॉट तो जरूर लेकिन गोपी उड़ा ओके ग्लव्स में पीना पॉइंट मैच नजरें नहीं हटेगी इससे मैच में और ये इस मैच की जीत है खिलाड़ियों की स्किल की जीत है कि दर्शक इतने मनोयोग से इस मैच को देख रहे हैं इस बार बॉल को जीत लिया यल बैनुडे नहीं तो वे बेहतर यल बैनुडे काउंटर अटैक करी बेहतर किताब को मैच को डोमिनेट एक किया जरूर दबाव को बना होगा जरूर मैन कैन स्वयं ओके उपा पेनल्टी एरिया से उपा एरिया बॉक्स के आसपास थोड़ा सा तालमेल को कर पड़ा होगा नहीं तो यल बैन लहा से रघुनाथ अच्छा कॉन्टेस्ट अभी तक लेकिन सेकंड हाफ का काफी समय गुजर गया है सुशील और मेरे ख्याल से सेकंड हाफ का लगभग अभी रेगुलेशन टाइम में लगभग 20 मिनट के आसपास का समय गुजर चुका है और अभी भी इस मुकाबले में उम्मीद किया जा सकता है लेकिन पीरू यहां पर क्या गोल डालेंगे लेकिन वहां पर प्ले खुल जाएगा लेकिन जब भी किसी ऊपर में किसी टीम के ऊपर में जब उस क्षेत्र में बॉल चली जाती है ऐसा लगता है कुछ होगा और पूरी तरह से खलबली मचा दिया है लेकिन इस मैच में क्या क्लास दिखाया दोनों टीम ने क्या इस मैच में दोनों टीम ने अपना रणनीति अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट को दिखाया कि दोनों टीम के खिलाड़ी के पास क्या स्किल है और स्किल के साथ साथ दोनों टीम के खिलाड़ी में क्या कम्बिनेशन इस टीम के साथ क्या यहाँ पर गोल होगा हालांकि यहाँ पर गोपी उराव अपना जान को जोखिम में डालते हुए बॉल को बचा लिया सुशील निश्चित रूप से यह मैच देखकर आपको भी मजा आता होगा और जी बिल्कुल यहाँ से इस मैच ने काफी ज्यादा ऑडियंस को प्रभावित किया है और जिस प्रकार से आपने चर्चा किया बहुत ही डीपली तरीके से कि यहाँ से ये मैच में हर एक चीज चाहे इनका पासिंग एक्यूरेसी हो बॉल पोजीशन हो इनका आपस में जो कॉम्बिनेशन है जो प्लेयर्सों के बीच में अंडरस्टैंडिंग एक बेहतरीन फुटबॉल आप कहें तो यहाँ पर आज के इस थर्ड मैच में परगना टोला और पटना बिहार के बीच में नजर आता हुआ एक चुनिया का पकड़ अभी भी है परगना टोला के पास लेकिन आप समझ सकते हैं कि पिछले के मैच में ऐसा घटना घटित हुई है कि यहां पर एक गोल अब एक गोल से अवगत है कि एक गोल मैच में उतना ज्यादा सुरक्षित स्कोर नहीं होती है और यह कभी भी वापसी हो सकती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर परगना टोला के टीम भी चाहेंगे कि यहाँ सेकेंड गोल जल्द से जल्द कंसिड करें और अपने टीम को और ज्यादा मजबूती प्रदान करें और ऐसे समय पर एक सुंदर सा सेट पीस मिल गया है परगना टोला टीम को अगला गोल कंसिड करने के लिए और ये शॉट कितना बेहतर होगा ये हम देखेंगे और नेक्स्ट मैच के लिए यात्राडंगा जुबो संघा मालदा वेस्ट बंगाल वर्सेस जूनियर झारखंड क्लब कुशवाहाडंगा पाकुड़ आप दोनों टीम्स के जो टीम के मैनेजर हैं ऐसा ऐसा अपने प्लेयर्सों को रेडी करके आप ऑफिशियल मंच के सामने आप टेक्निकल एरिया में आप लाने का प्रयास करेंगे शॉट
जरूर क्रॉस मारी मोजे थाकर ओडे जहां तक खिलाड़ी को तहन खा पोजीशन रहे तो मौका बना दरिया किया मेंखान जेल बैठी ना मोज अक्वा गेप को सिरा जांदा और जेल पे पास जेल तक में स्किल क्या बेहतरीन पास कौन कहता है कि हमारे देसी खिलाड़ी में वो स्किल नहीं है बस उसके इस हेरा को हमें समझना होगा इस हेरा को परखने की जरूरत है क्या बेहतर तरीके से खेल दिखाया है फिर से देखिए जेल तक बोल तीनों बहुत जाती इनान रगीज मैन के ये तला रहा हो सही गेम ढूंढो करते नेरो एंगल खाए मैन खान साइड डेटिंग उन्हें सपोर्ट रे चला जोड़ था कि ना उन्हें खिलाड़ी जरूर मौका रहे साइलेंट या फिर उन्हें लुकस जैसे खिलाड़ी बढ़ा जोड़ था कि ना हालांकि उन्हें बाकी सेटल ना हर बखाय मौका तो अहमद हाई बनाओ का ज्ञान हुई दस नंबर जैसी श्रीकांत हड्डी तो सारे एक समय लगभग रेगुलेशन टाइम रहनी था लगभग ढाई मिनट का समय नहीं था सारे किनार बाब पहल हाफ रे उनार हो तीन समय जुड़ा बा कैडा मैं घड़ी बात खा गई बुन बुझे बा मैं क्या सुशील लुआ मेत्रे वास्तव रे उका मेत्रे का निचोड़ करना उका मेत्रे हुई चीज चाहिए हर चीज उनार लुआ मेत्रे जलता और एकदम सही कहा करना निश्चित रूप से नौका ना मैच जब चला तो निश्चित रूप से नौका बुझे वाजे समय बड़ी जस्ती परम दी खेला सजे और नोडे खोई नितु लगातार दबाव बनाना भरपूर प्रयास नोडे खोई परगना टोला नोडे खोई अडिमोच मौका ना दुआ साइलेंट लगी लेकिन उन्हें गलत तरीके से उन्हें कवरिंग ना प्रयास उन्हें खोई थोड़ा गन टीवी चला बचा के ना और नियत क्रम में उन्हें खोई ना मीटे फ्री किक को जीता हुआ नियत दो परगना टोला टीम और एक अच्छा सेट पीस को जीत लिया है वहां मैन को कवरिंग करने के क्रम में उनको गलत तरीके से रोकने का प्रयास किया गया और ये फ्री किक कितना डिफिकल्ट होगा इस समय में खास करके तो यहां पर हम देखेंगे ये फ्री किक कितना डिफिकल्ट होगा इस बार पटना बिहार के लिए शॉट लिया लेकिन गोलकीपर यहां पर इमरान अंसारी का उतना ही बेहतर वहां पर गोलकीपिंग ये दो मिनट मैच में इंजरी टाइम के रूप में जोड़ा गया है मात्र दो मिनट का समय अभी शेष रह गया है दो मिनट में अभी पटना बिहार की टीम क्या कुछ करेंगे बलो, बलो। इसी बीच में एक प्लेयर्स में बदलाव लुकस के जगह पर टीकू लकड़ा मैदान पर आते हुए और यह बदलाव टीम के लिए कितना फायदेमंद होगा जत्रा डंगा जोबा सुंगा मलदा टीम रिया रिपोर्ट हुई चुका होना प्लेयर लिस्ट को जमा करना नेक्स्ट टीम थे जा रहे जो करना तय कहते हैं पुष्प डंगा पाकुर प्लेयर लिस्ट जमा लेके करो बटे तो उन पर और जेलिका इन बड़ा ही करा अब वह अलग प्रोफेशनल कोई मतलब मैं जमशेदपुर टाटा होना को रखा कोई उसे उन टीम में प्लेयर भी नियल कुआ डी हरपन बोला खिलाड़ी उन टीम का वो नियल कुआ लास्ट गाती हो अरे बहुत मच हुआ सिर्फ प्लेयर लिस्ट लोडे बांस सेटर करना थोड़ा गन नाइन अरे जिन दोहे ना टीम रन बनाया जाते बना टीम रन खिलाड़ी जेल का टेक्निकल एरिया है डग आउटर के सेटर छुपे ऊपर मैं खनी तीन बोला उकान खिलाड़ी उन्हें टीकू लखन निन्न बेहतरीन डिफेंडर करना है हाफ रन खिलाड़ी निन्न मौज अथवा एक पोजीशन मी था बाय मिस टाइम का और निन्न मौज ऐसे ही कहा गया यथा मौका हुई दरा क्या यहां पर अंतिम चांस हो सकता था एक बहुत ही रिक्सी वाला बचाव लेकिन यहां पर इस मैच में कॉर्नर की से क्या इस मैच को फिनिश कर पाएंगे बराबरी पर मैच को ला खड़ा कर पाएंगे नहीं अभी अंतिम मैच रन मैन खाए मीटे चांस को जाम का यह गोल परगना टोला टीम चिलका नवा शॉट को ब्लॉक कर बैठा गोलकीपर क्या बेहतरीन वहां पर से गोपी उराव पूरी तरह से यहां पर शायद इसी बीच में दूसरा सेकंड गोल आ गया था इस वजह से रेफरी ने कहा कि ऐसा नहीं है और इस वजह से वहां पर गोलकीपर ने ड्रॉप बॉल के साथ मैच को रीस्टार्ट करने का वहां पर निर्देश दिया था फिर से नोडे साइलेंट साइलेंट हो इनान को एटी मौज की जामे कर गया मौका पंखा नोडे
वेंकट इमरान बॉल लाया ग्लव्स रहे लगभग लगभग सभी की निगाह है रेफरी के उस विसिल पर और जी हाँ इस मैच में यहाँ पर फुल टाइम सिटी बज गई और इस तरह से आज का थर्ड मैच एफसी परगना टोला वर्सेस पटना बिहार के बीच के मैच का यह समाप्ति हो गया है और एफसी परगना टोला की टीम ने 1-0 से मैच को जीत लिया है और इस तरह से वो अपने क्वार्टर के लिए अपना स्थान को सुनिश्चित कर लिया है। तो तीजा तीसरा मैच अडी कॉन्टेस्ट अडी जबरदस्त जुझारूपन वाला गाती जादुई खेल प्रिया।